हम इतनी छोटी सी जगह में 270 लोग रह रहे हैं। 6x8 फीट की जगह में 10-10 लोग तक रहते हैं। हमारे लिए यही बेडरूम है, यही डाइनिंग रूम, वॉशरूम, टॉयलेट सब यही है। बारिश में इसी जगह से पानी बहता है तो हम कुर्सी पर चढ़ जाते हैं। बारिश रुकने के बाद पानी निकालने में जुट जाते हैं। ये तकलीफ 10वीं में पढ़ने वाली मिजान की है। मिजान रोहिंग्या समुदाय से है। वह 10 साल पहले म्यांमार छोड़ रही थी, तब तीसरी क्लास में थी। कालिंदी कुंज के मदनपुर खादर में उनके जैसे 270 लोग रहते हैं। इनमें से ज्यादातर 2012 में भारत आए थे। इस बस्ती के करीब 55 परिवार यमुना नदी से सटी इसी जगह में बस जैसे तैसे रह रहे हैं। नर्क जैसी जिंदगी क्या होती है, इसे यहाँ देखा और महसूस किया जा सकता है। भारत में रह रहे रोहिंग्याओं पर बहस शुरू हुई जब 17 अगस्त को केंद्रीय शहरी और आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में रह रहे रोहिंग्या शरणार्थियों को EWS फ्लैट्स में शिफ्ट किया जाएगा, उन्हें सभी बुनियादी सुविधाएं दी जाएंगी। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।